बीकेयू प्रवक्ता राकेश चिकैत ने कहा है कि पुलिस के साथ मीटिंग के मुताबिक ही कल 11 बजे किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसान नेता राकेश चिकैत की गाजियाबाद के डीएम, एसपी और पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव के साथ मीटिंग हुई है। तो देखिए, अब ये रैली को लेकर ये साफ कर दिया गया राकेश टिकैत की तरफ से। इधर गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड के रूट पर बनी सहमति, जिसपे दिल्ली गाजियाबाद प्रशासन के साथ ही किसान नेताओं की बैठक में ये सहमति बनी है। गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम आनंद विहार होते हुए ट्रैक्टर जो है वो रैली निकलेगी, ट्रैक्टर परेड। अप्सरा बॉर्डर हापुड़ चुंगी से दुहाई होते हुए ये परेड वापस लौटेगी। तो ये मीटिंग जिसमें ये आपसी सहमति बनी है दिल्ली गाजियाबाद प्रशासन के साथ किसानों की, जिसमें ये साफ हो गया है कि रूट उनका क्या रहेगा और कितने बजे ये रैली निकाली जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से जो ट्रैक्टर परेड निकलनी है उसके रूट पर सहमति बन गई है। तो ये जो गाजीपुर बॉर्डर वाली जो बॉर्डर एरिया है, वहां से जो ट्रैक्टर परेड निकलनी है उसे लेकर सहमति बन गई है प्रशासन और किसानों के बीच। वो रूट डिसाइड हो गया है, जहां जहां से होकर इसे गुजरना है इस रूट पर सहमति किसानों की है। दिल्ली गाजियाबाद प्रशासन के साथ ये बैठक हुई है और उस बैठक में ये साफ हुआ है कि आखिर वो कौन कौन से रास्ते होंगे जहां से होकर ये रैली निकलेगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पुलिस के साथ बैठक के मुताबिक कल 11 बजे वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हमारे संवाददाता राजू राज ने उनसे बातचीत की। क्या है तैयारियां, बात करने के लिए राकेश टिकैत हमारे साथ है। राकेश दी, कुछ किसान संगठन के नेताओं का भी बयान आया है, उनका कहना है कि जो शर्त दिल्ली पुलिस ने रखी है उस शर्त को वो नहीं मानते हैं, 12 बजे के बाद ट्रैक्टर रैली निकालने का कोई औचित्य नहीं। नहीं नहीं, 11 बजे का है ना, 11 का, 11 बजे की, उन्होंने कहा 11 बजे के बाद कोई ट्रैक्टर रैली निकालने का औचित्य नहीं, जो शर्त दिल्ली पुलिस ने रखी वो उसे नहीं मानते। नहीं नहीं, किसका आया ये बयान? किसान मजदूर संगठन जो संस्था है उनका है। कौन है इसका वो किसान मजदूर संस्था? अभी बयान आया है तमाम लोगों, कौन का? नाम बताओ ना उसका। भाई ये तो 700 संगठन बना रखे, जो हमारा तय हो गया 11 बजे का है तो 11 बजे निकलेगा। जो जो पुलिस ने बात रखी है उसी हिसाब से रैली निकलेगी? नहीं नहीं, पुलिस ने नहीं रखी, ये आपस की है, कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो है, उसी के हिसाब से निकलेगी, 11 बजे चलेगी। क्योंकि पहला कल का दिन है, वो सैनिक के नाम है, सैनिक की परेड जब वो हो जाएगी और 11 बजे हम अपने वाले शुरू करेंगे। 11 बजे आप शुरू करेंगे। जो दिल्ली पुलिस ने जो रूट मैप दिया है उस रूट मैप के हिसाब से गाजीपुर से आनंद विहार, आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर से हापुड़ चुंगी होते हुए लाल कुआं आप वापस आएंगे, लेकिन आपका बयान सामने आया है जिसपे आप कह रहे हैं कि आप अक्षरधाम जाएंगे। अक्षरधाम वाला थोड़ा रूट समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। यहाँ से अक्षरधाम से वापसी, आनंद विहार और फिर वहाँ से ये रूट हमारा है। किस तरह की तैयारियाँ हो रही है राकेश? तैयारी है हमारी बढ़िया है, क्योंकि जो ये रूट रहेगा इस पर दो हाईवे बराबर चलेंगे, बीच वाला प्रेस के लिए, पुलिस के लिए, उनके लिए रखा जाएगा, जो हाईवे नंबर 9 है और जो हाईवे नंबर 24 है उस पर को हमारी परेड चलेगी पूर्ण रूप से। कल दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस के स्पेशल सीपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर कहा कि कई ट्विटर हैंडल, 300 से भी ज्यादा ट्विटर हैंडल सामने आए हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं किसान आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने के लिए। आजा तो उन्हें सरकार देखे, क्या सरकार इतनी कमजोर है कि उन्होंने 300 को दे सकती? उन्हें देख कर उनका इलाज करा, कौन चला रहे इस देख रेख के लिए? क्या आपके वॉलंटियर्स की क्या तैयारी है? वॉलंटियर है हमारा, हर किसान वॉलंटियर है, अपने पड़ोसी की निगाह रखता है वो। तो कितने की तादाद में वॉलंटियर है? काफी लोग, ये सारे वॉलंटियर ही तो है, हर ट्रैक्टर का चलाने वाला, बैठने वाला, सब वॉलंटियर हैं, सबको छोड़ देती, सब यही जवान है, यही किसान है, सब यही है। कल ट्रैक्टर की स्पीड क्या होगी राकेश जी? 10 से 12 स्पीड, 15। अच्छा, और ट्रैक्टर का जो रूट मैप आपने बनाया है उसमें तादाद कितने लोगों की संख्या होगी? सब जाएगा, जो भी यहाँ पे आया, जो भी जाना चाहता है सब जाएगा। यहाँ पे संख्या तो काफी ज्यादा होगी, और ज्यादा ही तो जाएगी, और क्या कम जा रहे हैं, कम संख्या का क्या करना भाई। तो कल शक्ति प्रदर्शन का भी दिन, कल परेड है, परेड ये तिरंगे के सम्मान में परेड है, हमको अफगानिस्तानी कहा उसके विरोध में परेड है, और अगर इसके बावजूद भी किसान को गलत शब्दों का इस्तेमाल करा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो कल किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं जिसकी इजाजत मिल चुकी है शर्तों के साथ। तो उस ट्रैक्टर रैली का रोड मैप क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। तो इसके जो पहला रूट मैप है इसका, वो सिंघू बॉर्डर से है। सिंघू बॉर्डर से ये शुरू होगी ट्रैक्टर रैली, जो कि मुकरबा चौक और चंदी बॉर्डर,
खरखोदा टोल प्लाजा होते हुए आगे बढ़ेगा सिंघू बॉर्डर से। ये पहला रूट मैप है ट्रैक्टर रैली का। इसके अलावा जो दूसरा रूट है जो दिल्ली पुलिस ने जारी किया है, ये टीकरी बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से नांगलोई होते हुए, इसके बाद अगला नजफगढ़ होते हुए, फिर झड़ौदा कला और असौदा होते हुए टीकरी बॉर्डर। ये दूसरा रोड मैप है ट्रैक्टर रैली का। तीसरा गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से ये शुरू होगा और ट्रैक्टर मार्च आगे निकलेगा अप्सरा बॉर्डर होता हुआ, हापुड़ रोड, फिर इसके बाद लाल कुआ। तो ये तीसरा, तीन ट्रैक्टर रैली के रोड मैप जो है वो जारी किए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.